मध्य प्रदेश की मंदसौर नीमच लोकसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में प्रचार करने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कमलनाथ सरकार की तारीफ की, वहीं पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। नीमच में राहुल गांधी ने सभा में कहा कि हम देश हित और गरीबों के लिए न्याय योजना लेकर आए हैं। ये योजना हमारे मन से नहीं बनाई, हमने आपके मन की बात सुनकर बनाई है। राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने आपके मन की बात सुनकर किसानों के कर्ज माफ किए हैं, मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूंगा। और 5,55,000 करोड़ रुपए का जो अन्याय हुआ उसको ठीक करने की योजना है, न्याय योजना इसका नाम है। नरेंद्र मोदी कहते हैं पैसा कहां से आएगा, एकदम हमने पहले कर्जा माफी की बात की, कहते हैं कहां पैसा कहां से आएगा, हमने दिखा 72,000 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार थी, हमने दिखा, कमलनाथ जी ने, बघेल जी ने दिखा, पैसे की कोई कमी नहीं है। मोदी जी सुन लीजिए, सबसे पहले मैं अनिल अंबानी की जेब में से पैसा निकाल के दूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उद्योगपति के कर्ज माफ कर सकते हैं तो हम किसानों के कर्ज माफ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के परिवारजनों का भी कर्ज माफ किया है, जिसकी सूची राहुल गांधी ने आम जनता को दिखाई। देख ले, जैसे हमने मध्य प्रदेश में किया, जैसे हमने शिवराज चौहान जी के परिवार का कर्ज माफ किया, वैसे हम 3,60,000 रुपए 5 साल का देके दिखा देंगे। अब यहां मीनाक्षी जी है, कहां गायब हो गए, आइए मीनाक्षी जी को आपने जिताना है। 2-3 कारण है, एक ये दिल से आपके लिए काम करती है और दिन भर काम करती है, 3 घंटे से ज्यादा सोती है। मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, ये थोड़ी ज्यादा सोती है, 4-5 घंटे सोती है, पता नहीं कितने घंटे सोती है, होना चाहिए 5 घंटे सोती है, 6 घंटे सोती है, मगर दिल से काम करती है, झूठ नहीं बोलती। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी नीमच आए थे, यहां सीआरपीएफ का सेंटर होने के बाद भी सीआरपीएफ वालों से नहीं मिले, 2019 के बाद सीआरपीएफ सहित सभी को शहीद का दर्जा देंगे। यहाँ पे सीआरपीएफ का सेंटर है, यहाँ पे सीआरपीएफ का सेंटर है, मोदी जी आए, पुलवामा में सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए, मगर नरेंद्र मोदी ने यहां आकर सीआरपीएफ के लोगों की आवाज नहीं सुनी। हम सुनते हैं पैरामिलिट्री के लोगों से, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के लोगों से हमने बात की, उनसे पूछा भैया बताइए आप लड़ते हो, शहीद होते हो, हम आपके लिए क्या करें। पैरामिलिट्री के लोगों ने हमें कहा राहुल जी आपने ये बात बोली तो हम होते शहीद हैं, मगर शहीद का दर्जा हमें नहीं मिलता। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में चुनावी सभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित मध्य प्रदेश सरकार व राजस्थान सरकार के मंत्री मंचासीन रहे। मंदसौर से समृद्ध धनगर की रिपोर्ट।